हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेश कंधारिया और फिर से डीपम इंग्लिश इंस्टीट्यूट सूरत के से बनाई गई डीपम ज्ञान क्रांति यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। स्टूडेंट, आज फिर से मैं आपके लिए कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान पहला पार्ट फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 3 लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे लघु या दीर्घ प्रश्न जो परीक्षा में 3 या 5 अंक के हो सकते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की आज हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो चालू करने से पहले मैं फिर से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हम मानते हैं गेट नॉलेज शेयर नॉलेज। ओके, फिर से बात करेंगे। पहला प्रश्न हमारा आज के वीडियो का क्या है? आज का वीडियो हम बना रहे हैं पार्ट 1 फ्रांसीसी क्रांति। ओके, और हमारा पहला प्रश्न है लघु दीर्घ प्रश्न का, जिसका मूल्य रहेगा परीक्षा के अंदर 3 या 5 मार्क्स का। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, लुई 16 के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? हमें जो चर्चा करना है, लुई 16 के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति की दर। ओके, और ये हमारा आंसर रहेगा। मैंने स्टूडेंट्स आपके लिए सिर्फ पॉइंट वाइज किया हुआ है, आपको कैसे लिखना है मैं बताता जा रहा हूँ, आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, और कैसे लिखावट करनी है आप नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो आर्थिक स्थिति का पहला था राजकोष का खाली हो जाना, उसके मुख्य जो कारण है, तो पहला जो कारण है हमारा राजकोष का खाली होना, उसका पहला कारण है युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट हो जाना। वित्तीय संसाधनों का मतलब क्या होता है? जिससे कोई देश अपने आर्थिक स्थिति सुधार सकते, पैसे कमा सकते, उसे क्या कहते हैं? वित्तीय संसाधन। और युद्धों के कारण फ्रांस की वित्तीय संसाधनों क्या हो चुके थे? नष्ट हो चुके थे। इसीलिए राजकोष क्या होने लगा? खाली होने लगा। दूसरा है शानो सौकत के लिए फिजूल खर्ची। आप जानते ही हो, राजा जो थे बहुत ही शानो सौकत से रहते थे। कैसे रहते थे? शानो सौकत से। और वो अपनी शान दिखाने के लिए फिजूल खर्च भी इतने ही करते थे, और ये फिजूल खर्च के कारण फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमजोर हो गई, और उसके कारण फ्रांस जो था उसका राजकोष क्या होने लगा? खाली होने लगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, राजकोष का खाली होने का कारण 10 अरब लिवरे। लिवरे क्या है? वो फ्रांस की राष्ट्रीय मुद्रा थी वो दौरान। 10 अरब लिवरे से अधिक का कर्ज था फ्रांस पे। कितना कर्जा था? 10 अरब लिवरे का कर्जा था, और उसके कारण फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही बदतर होने लगी, और इसके कारण एक पहला कारण बन गया फ्रांसीसी क्रांति का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सरकार से कर्जदाताओं की ब्याज की मांग। ओके, सरकार ने क्या क्या कर्जदाता था उससे पास के क्या मांग किया गया? तो कर्जदाताओं ने उससे ब्याज की मांग की थी। ऊपर ही देख सकते हो आप ये पॉइंट में, तो फ्रांस पे कितना कर्जा था? तो 10 अरब लिवरे था, और ये जो कर्जदाता था उन लोगों ने उस पर क्या डाल दिया? ब्याज भी डाल दिया। एक तरफ से 10 अरब तो था ही, उस पर ब्याज लगने लगा, उसके कारण क्या हो गया? फ्रांस की जो स्थिति थी बढ़तर ही होने लगी, और उसके कारण फ्रांस का जो राजकोष था वो संपूर्णतः क्या हो गया? खाली हो गया। और इसी कारण लुई फ्रांस को फांसी भी दे दी गई। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? जैकोबिन क्लब था वो सबसे आगे वाला क्लब था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, और यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। ओके, तो उसके जो कौन कौन थे सदस्य, तो हम पॉइंट वाइज ही लिखे हैं। जैकोबिन क्लब के सदस्य में सबसे पहले था समाज का समृद्ध हिस्सा जो पैसेदार था, और वो था द्वितीय वर्ग। कौन सा हिस्से था?
तो वो था द्वितीय एस्टेट। आपको ये याद रखना है कौन सा द्वितीय एस्टेट के लोग थे, कौन थे यहाँ पे, द्वितीय एस्टेट के लोग थे यहाँ पे, और ये आपको याद रखना है। उसमें था दुकानदार और कारीगर वर्ग। ओके, दुकानदार और कारीगर वर्ग भी इसके सदस्य थे। घड़ी साज, दिहाड़ी मजदूर आदि सब उसके क्या थे, सदस्य था। और ये जो है, ये जो पार्ट है वो तृतीय वो कौन से है, तृतीय एस्टेट के लोग है, और उस पे ही सबसे ज्यादा कर डाल दिया था। और जैकोबिन क्लब उन लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही थी, उसके कारण जैकोबिन क्लब से सब लोग एकता हो गए और फ्रांसीसी क्रांति की लगभग से शुरुआत हो गई। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वीडियो का नंबर 3 है, तीसरे एस्टेट की व्याख्या करो। तीसरे एस्टेट क्या था आपको ये कर बताना है। तो तीसरे एस्टेट की व्याख्या में हम लेंगे, सबसे पहले सबसे बात हो जा रही है साधारण वर्ग था, कौन था इसमें, सबसे पहले तो इनमें था साधारण वर्ग। साधारण वर्ग में सब मजदूर लोग थे, कौन लोग थे, सबके सब मजदूर वर्ग ही थे। इसमें शिक्षक होते हैं, टीचर्स भी इसमें ही आ जाते हैं, और खेत करने वाले खेत मजदूर जो है वो भी इसमें ही है। याद रखिए, सब जो बहुत ही मेहनत करने वाला पूरा वर्ग था वो तीसरे एस्टेट का था। वो भले ही सब टैक्सेस ये लोग चुकाते थे, सब टैक्सेस लोगों को ही चुकाना था, किसको, तो टैक्सेस ये जो है तीसरा एस्टेट उसको ही चुकाना था। दो, राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते थे। ओके, तीसरे एस्टेट वाले को राजनीतिक अधिकार कोई नहीं थे, वही सब टैक्सेस पड़ते थे फिर भी। और उसी कारण फ्रांस की क्रांति में विशेष अधिकार वर्ग का विरोध था, वो अपने आप को विशेष अधिकार लेने के लिए विरोध कर रहे थे। ओके, तो तीसरे सेट में क्या होगा, साधारण वर्ग, राजनीतिक अधिकार नहीं थे, और क्रांति में अपने आप को विशेष अधिकार की मांग की। तीसरे एस्टेट की व्याख्या कीजिए, फिर से आ गया यहाँ पे जो थी, सवाल गलत हो गया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था। तो फ्रांसीसी महिला थी, बहुत ही मेहनती वर्ग का भाग थी, बहुत ही काम कर रही थी, फिर भी उसको जो मजदूरी मिलना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए, वो पुरुष से कम मिली। जीविका निर्वाह के लिए काम, महिला को क्या काम करना था, जीविका निर्वाह के लिए बाजारों में सामान बेचना पड़ता था। उन लोगों को घर का तो काम करना ही है, और उसके आगे उन लोगों को बाजार में भी काम करना पड़ा। संपन्न घरों में नौकरी करनी पड़ती थी, इसका मतलब है घर में जाके भी मजदूरी करनी पड़ती थी। उसके अलावा उन लोगों को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, भले ही वो पुरुषों जितनी ही मजदूरी करती थी, फिर भी उसको जो रकम मिलनी चाहिए, उसको जो पैसा मिलना चाहिए, वो पैसा कैसा था, वो कम था। और इसी कारण फ्रांसीसी समाज की महिलाओं थी वो बहुत ही कचड़ी हालत में थी, और वो विरोध में आ गए। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत कैसे की, तो महिलाओं ने अपने हितों के लिए क्या क्या किया, तो उन लोगों ने अपने हित के लिए क्या किया, तो पहले तो अपने राजनीतिक क्लबों थे और अखबारों की शुरुआत की, अपने आप क्लबों की शुरुआत की और अखबारों की शुरुआत कर दी, कि जहाँ पे जाके वो अपना चर्चा कर सके क्लबों में, और क्लब में जो चर्चा हुई है उसे अखबार में वो भेजे, ताकि लोगों तक वो पहुँचे। खास करके लोगों तक पहुँचे या न पहुँचे, लेकिन जो पहला जो अस्तित्व था उस तक वो पहुँच जाए। वो दूसरा था, वो हिमायत क्या कर रही थी अपने हितों के,
पुरुषों जैसे ही अपने आप को भी समान अधिकार प्राप्त हो, क्या प्राप्त होना चाहिए? पुरुष है वैसे ही अपने आप को भी समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि वो मजदूरी पुरुष के जैसे ही कर रही है, लेकिन उसके सामने जो पैसे मिलने चाहिए थे वो पुरुषों के सामने उसको कम मिल रहे थे, और इसी कारण महिलाओं थी उसको हम ये कह सकते हैं उनको गुस्से होने का एक चांस मिल गया। नेक्स्ट उसमें लिखा है, असेंबली के लिए चुने जाने वाले राजनीतिक पदों की मांग की। असेंबली जो बनती थी तीनों वर्ग की, उसमें भी अपना राजनीतिक पद मांगने लगी, जो इससे कारण अगर उन लोगों को पद मिल जाता है तो अपनी आप सीधे तौर पर सरकार के सामने वो रख सकती है। इसीलिए असेंबली के सामने चुने जाने के बाद अपनी पदों की मांग की। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये जो वीडियो है पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए ही मत। स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए dipamgk.com नामक वेबसाइट भी क्रिएट करवाई है। इट इज़ स्पेशली मेड फॉर स्टूडेंट्स। ये वेबसाइट में आपको हर तरह के मटेरियल प्रोवाइड हो जाने वाले हैं, वो भी पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम मदद करेंगे, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको ही सब कुछ करना है हमारे भारत के लिए। फिर से मिलेंगे, तब तक के मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।